आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था। अगर हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं पी एंड क्यू, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय पी क्रॉस क्यू एंड इट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। इट इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम सेट पी टू सेट क्यू। एक सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं और वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे फ्रॉम सेट टू पी टू क्यू। तो जैसे अगर हम समझना चाहें रिलेशन क्या होता है, तो पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस एग्जाम्पल में रिलेशन का क्या मतलब है, फिर हम डेफिनेशन पर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको तीन लड़कियों के नाम लिख कर दिए हैं, सिमरन, सोनिया, सबा। लेट्स से दीज आर थ्री गर्ल्स और इनके ब्रदर्स हैं। सिमरन का ब्रदर है अखिल एंड वरुण, सोनिया का ब्रदर है विजय और सबा का ब्रदर है अली। ठीक है, मैंने सेट ए डिफाइन कर दिया विद दीज थ्री गर्ल्स, उनके नेम से सिमरन, सोनिया, सबा। एंड सेट बी में ये ब्रदर्स आ गए अखिल, वरुण, विजय एंड अली। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, दैट इज ए क्रॉस बी, क्या होगा? सो दैट मींस इट विल बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी। तो अगर आप लिखेंगे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी, तो वो क्या क्या हो जाएंगे? एक आ जाएगा सिमरन अखिल, राइट, देन सिमरन वरुण, देन सिमरन विजय, सिमरन अली, राइट। तो थोड़ा सा हमारा रिवाइज हो रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख रहे हैं हम फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ऐसे ही हम सोनिया के लिए लिख रहे हैं, तो सोनिया अखिल, सोनिया वरुण, सोनिया विजय एंड सोनिया अली, राइट। देन फिर हम लिखेंगे सबा के लिए, तो सबा अखिल, सबा वरुण, सबा विजय एंड सबा अली। तो ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो मैंने सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिया फ्रॉम ए टू बी और उसको सेट फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था, राइट। ये हमें पहले समझ आ गया था। नाउ लेट्स कम टू रिलेशन, रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ इस सिस्टर ऑफ, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन किससे रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। रिलेशन है सिस्टर ऑफ, तो मुझे पता है सिमरन इज सिस्टर ऑफ, किसकी सिस्टर है? अखिल की। तो एक तो मैं ये लिख सकती हूँ दैट सिमरन इज सिस्टर ऑफ अखिल, लिख सकते हैं। ऐसे ही आप मुझे बता सकते हैं कि और कौन कौन रिलेटेड होंगे, क्योंकि सिमरन इज ऑल्सो सिस्टर ऑफ वरुण, मैं ये भी लिख सकती हूँ सिमरन इज सिस्टर ऑफ वरुण। देन और कौन रिलेटेड है? सोनिया इज सिस्टर ऑफ विजय, इस रिलेशन से ये रिलेटेड है दैट सोनिया इज सिस्टर ऑफ विजय। एंड कौन रिलेटेड है लास्ट? सबा इज सिस्टर ऑफ अली, राइट। तो यही चार हमारे पास रिलेटेड लोग हैं। इसी सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को लिखने का तरीका है दैट सिमरन इज रिलेटेड टू अखिल। रिलेटेड मतलब इज सिस्टर ऑफ, इसी रिलेशन की बात हो रही है, सिमरन इज रिलेटेड टू अखिल। और ऐसे ही लिख सकते हो सिमरन इज रिलेटेड टू कैपिटल आर लिखकर वरुण, एंड सोनिया इज रिलेटेड टू विजय, एंड सबा इज रिलेटेड टू अली। तो ये हमने एक और तरीके से इसको लिख लिया, या फिर इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख लो कि कौन कौन रिलेटेड है। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ
कि सिमरन और अखिल रिलेटेड है, ऐसे ही मैं लिख सकती हूँ सिमरन और वरुण रिलेटेड है, देन सोनिया और विजय रिलेटेड है, इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग की सिस्टर है वो उसकी, और सबा इज सिस्टर ऑफ अली. तो ये हमने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख लिए, राइट. तो ये जो कंडीशन गिवन थी कि इस सिस्टर ऑफ, जिस जिसने इसको सेटिस्फाई किया वो मैंने लिख लिया, ठीक है. तीन तरीके से मैंने आपको लिख कर दिखा दिया. आप देख सकते हैं ऑर्डर फिक्स रखा है मैंने. क्या किया, पहले लड़कियों के नाम लिखे हैं क्योंकि इस सिस्टर ऑफ, फिर जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं वो आए हैं. तो ये सारे सिमरन सोनिया सबा फर्स्ट सेट में थे और ये सेकंड सेट में थे. तो ए टू बी जा रहा है, यहाँ पर भी ए पहले बी बाद में, इधर भी ए पहले बी बाद में, सो ऑर्डर इज फिक्स्ड. तो अगर आप देखेंगे इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर मैं उसको लिख लूं तो वो कौन कौन है. एक तो है सिमरन अखिल, उसको सेट फॉर्म में लिख रही हूँ, जो जो रिलेटेड है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग. देन सिमरन वरुण रिलेटेड थे, देन सोनिया विजय रिलेटेड थे, एंड सबा अली रिलेटेड थे, राइट. तो रिलेशन क्या होता है अगर मैं इसी से समझना चाहूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू. आप देखो ये जो हमने रिलेशन लिखा है कैपिटल आर, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आए हैं वो एक कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, राइट. एक स्पेसिफिक कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है, इस सिस्टर ऑफ, राइट. तो जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो कोई कंडीशन नहीं थी. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए वर रिलेटेड, वर मैप्ड टू all the elements of set B. हमने without any condition सारे ordered pairs लिख दिए थे from A to B, right? But जब relation मैंने देखा, उसमें मैंने ये specific condition देखनी थी, that is sister of. तो कुछ ही ऐसे elements थे जिन्होंने उसको satisfy किया और वो मैंने relation के part में लिखा. तो relation क्या होता है? A relation from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product. आप देख सकते हो ये जो R आया है, यही मेरा relation है, सिर्फ यही लोग satisfy कर रहे थे इस condition को, और ये जो है, ये एक subset है इस Cartesian product का, A cross B का ये subset आया है. कैसे? Subset क्या होता था? All the elements present here should also be present here. तो जो R में elements present है, वो कहाँ से आए हैं? वो A cross B से ही तो आए हैं. क्योंकि A cross B तो सब कुछ अपने अंदर contain कर रहा है. As we are taking all the ordered pairs from A to B, हमने कुछ miss out किया ही नहीं है. तो जितने भी ordered pairs हो सकते थे, वो सारे ही हमने लिए. So जो Cartesian product होता है for relation, it is always treated as a universal set. मतलब इसमें तो सब कुछ present होना ही है. तो relation क्या होता है? It is a subset of the Cartesian product. और ये subset आया कैसे है? This subset is derived by defining some kind of relationship between the elements of the ordered pair. मैंने क्या किया? ये जो ordered pair के elements है, इन दो elements के बीच में कुछ relation define किया. जैसे यहाँ पर relation हमने define किया था is sister of. तो आपने check किया is सिमरन इज सिस्टर ऑफ अखिल, तो वो ट्रू था, तो हमने रिलेशन का पार्ट बना लिया उसको. फिर हमने चेक किया जैसे सोनिया, लेट्स से सोनिया इज सिस्टर ऑफ वरुण, तो सोनिया इज नॉट सिस्टर ऑफ वरुण हम चेक कर रहे हैं, तो हमने सोनिया इज सिस्टर ऑफ वरुण नहीं लिखा रिलेशन में. तो ओनली दोज एलिमेंट्स हु सैटिस्फाइड विद सैटिस्फाइड दिस कंडीशन, वही इस रिलेशन का पार्ट बन पाए हैं. तो रिलेशन क्या होता है? इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. एक सबसेट आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का. इट कैन बी इक्वल्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट आल्सो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर उसका एक प्रॉपर सबसेट आ जाएगा, मतलब उससे कम ही होगा, कुछ ही एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे, या सब भी कर सकते हैं. एंड वो सबसेट हम डिराइव कैसे करते हैं? जब हम कुछ रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर. सो दिस इज योर रिलेशन. तो डेफिनेशन ये है, अ रिलेशन कैपिटल आर, हम रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं,
from a non-empty set A to non-empty set B is a subset of the Cartesian product. Subset होता है, और subset कैसे आया है? By describing some kind of relationship between the first element and second element of the ordered pair in A cross B. Fine. तो relation निकालने के लिए Cartesian product important है. Cartesian product का ही subset जो हमारा आता है, वो हमारे पास relation होता है. ठीक है, तो ये जो मैंने कैपिटल आर यहाँ पर लिखा था, तो इसका मतलब यहाँ पर है सिमरन इज रिलेटेड टू अखिल, और रिलेटेड इधर इन सेंस, किस सेंस में बात कर रहे हैं, इज सिस्टर ऑफ, सिमरन इज सिस्टर ऑफ वरुण, सिमरन इज रिलेटेड टू वरुण, रिलेटेड बाय दिस रिलेशन. देन ऐसे ही सोनिया इज रिलेटेड टू विजय एंड सबा इज रिलेटेड टू अली, और ये ऑर्डर्ड पेयर्स तो हमने लिखी. ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट से आपके पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, और सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है 0 and 1. तो सबसे पहले आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखकर दिखाओ फ्रॉम ए टू बी. तो ए क्रॉस बी अगर आपको लिखना है तो क्या क्या होगा, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 3, 0 and 3, 1, राइट. ये होगा हमारे पास, तो ए क्रॉस बी हमारे पास ये आ गया. अब हमें रिलेशन देखो क्या डिफाइन करके दिया है, रिलेशन डिफाइन करके दिया है इज ग्रेटर देन, ए टू बी ही ले रहे हैं, इज ग्रेटर देन. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही रिलेशन आता है, अभी हमने सीखा. तो अगर मुझे रिलेशन लिखना है तो वो मैं कैपिटल आर से डिनोट करूंगी, और अब देखूंगी कि कौन कौन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग रिलेटेड है. तो रिलेशन इन एलिमेंट्स के बीच में डिफाइन होगा, तो मैं इसी के एलिमेंट्स को देखूंगी. तो इज ग्रेटर देन, तो 1 और 0 में इज 1 हमेशा ऑर्डर फिक्स रखना है, उल्टा नहीं लिख सकती हो. ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट पहले लिखा फिर लिखा, अब बीच में रिलेशन डालकर देख रहे हैं. 1 is greater than 0, दिस इज ट्रू, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर पेयर हम लिख लेंगे रिलेशन के अंदर. 1 is greater than 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 ट्रू नहीं है तो नहीं लिखेंगे. 2 is greater than 0, which is true, तो 2, 0 लिख लेंगे. 2 is greater than 1, which is also true, तो 2, 1 भी लिख लेंगे. 3 is greater than 0, which is correct, तो 3, 0 भी आ जाएगा रिलेशन में. 3 is strictly greater than 1, which is also correct, तो 3, 1 भी आ जाएगा. तो सिर्फ एक ही नहीं आया, तो ये जो सेट होगा, क्योंकि आपको पता है रिलेशन भी हमारे पास एक सेट ही है, जब वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो ऑब्वियसली इट इज अ सेट. तो मैंने इसको सेट लिख लिया, और जो जो ऑर्डर्ड पेयर्स इसको सैटिस्फाई कर रहे थे इस रिलेशनशिप को, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हमने लिख लिए. अभी भी आप देख सकते हो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, उसी के तो एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, उसी में से तो देखिए कौन कौन से रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहे थे. सो दिस इज हाउ वी सी विच ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड. तो अभी हमने सीखा रिलेशन क्या होता है, वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और वो सबसेट आएगा कैसे, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर्स जो हमारे पास आए हैं, एलिमेंट्स जो आए हैं, उनके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन कर दे, तो जो जो उसको सेटिस्फाई करेगा वो रिलेशन का पार्ट फॉर्म करता है. तो अब सीखते हैं कि हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, क्या एक ही तरीका है इसको लिखने का. तो हम इसको 4 ways में लिखना सीखेंगे, ऑल्दो एनसीईआरटी में आपके पास आई थिंक 3 ways है, मैं एक एक्स्ट्रा वे आपको कराऊंगी, जो कि हम बहुत बार रेफरेंस लेकर समझते हैं आगे भी जाकर और बहुत सारी चीजें, इसीलिए हम ये 4 methods सीखेंगे. सो वेज टू रिप्रेजेंट रिलेशन, विल स्टडी रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि ऑलरेडी हम सेट्स में पढ़ चुके हैं, तो वही सेम चीज है. एंड देन इनपुट आउटपुट टेबल एक हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, एंड एरो डायग्राम. तो ये हम 4 ways सीखेंगे. तो चलते हैं पहले रोस्टर फॉर्म क्या होता है. तो आपको पता है रोस्टर फॉर्म में आप क्या करते थे, यू यूज टू राइट ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स लिस्ट करते थे, कॉमा से सेपरेट करते थे, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते थे, ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे, राइट. तो रोस्टर फॉर्म इधर भी वही है, क्योंकि रिलेशन का जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के हैं, तो आप वही सारे एलिमेंट्स लिस्ट करोगे, कॉमा से सेपरेट करोगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दोगे. तो जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल किया
मैं इसी के लिए आपको रोस्टर फॉर्म लिख रही हूँ. तो ये जो फॉर्म लिखी हुई है दिस इज नथिंग बट रोस्टर फॉर्म ही लिखी है. क्या करना है, सारे एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे. तो सारे एलिमेंट्स कौन कौन से आए थे रिलेशन में, 1 0 2 0 2 0 2 1 3 0 3 1 यही रिलेटेड थे. तो ये एलिमेंट्स है, सबको सेपरेट कर दिया कॉमा से, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया. सो दिस इज योर रोस्टर फॉर्म. वही सेम चीज जो हमने सेट्स में किया था. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता था, सेट बिल्डर फॉर्म में हम कंडीशन लिखते थे, हम पूरा नहीं लिखते थे, हम कंडीशन डिफाइन करते थे. तो अगर आपको यही सेम एग्जाम्पल लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप क्या लिखोगे, रिलेशन विल बी, क्योंकि अब एलिमेंट्स जो है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के हैं, तो आप लिखोगे एक्स कॉमा वाई. इसका मतलब है एक्स इज रिलेटेड टू वाई. जब भी आप कैपिटल आर इक्वल्स टू ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं और ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं, तो उसको हम हमेशा पढ़ते हैं एक्स इज रिलेटेड टू वाई. उल्टा नहीं पढ़ सकती दैट वाई इज रिलेटेड टू एक्स, नहीं तो मुझे वाई पहले लिखना होगा, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है तो ऑर्डर मैटर कर रहे हैं. तो मैं बोल रही हूँ x is related to y, कब related था, जब is greater than वाला relation satisfy होगा. तो x is related to y if x is greater than y. अब मुझे बताना होगा ये x कहाँ से आ रहा है और y कहाँ से आ रहा है. So x belongs to set A and y belongs to set B. So set builder form में हम just condition बताते थे. आप recall कीजिए जब sets पढ़ रहे थे तब relation, जब भी हम कोई भी सेट डिफाइन करते थे इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप उसको लेट्स से कैपिटल ए लिखते थे और एक सिंगल एक्स आता था, क्योंकि सेट में जो एलिमेंट्स होते थे वो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हमारे पास होते थे. बट रिलेशन तो दो लोगों के बीच में ही डिफाइन होगा ना, तो रिलेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, पेयर होना जरूरी है. तो इसीलिए हम एक्स कॉमा वाई करके लिखते हैं. नाउ देयर इज अनदर मेथड दैट इज इनपुट आउटपुट टेबल. तो इनपुट आउटपुट टेबल में क्या है, जो भी आपके पास रिलेशन में एलिमेंट्स हैं, देखो जो भी एलिमेंट्स रिलेशन में हैं, जैसे 1 0 रिलेटेड है, 2 0 रिलेटेड है, 2 1 रिलेटेड है, ये एलिमेंट्स रिलेटेड है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का इन रिलेशन वो हमारे इनपुट्स हो जाते हैं, और जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के इन रिलेशन वो हमारे पास हो जाते हैं आउटपुट्स. फिर से मैं आपको बताती हूँ, इनपुट्स हम एक्स से डिनोट करते हैं, आउटपुट्स हम वाई से डिनोट करते हैं. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, मैं यहां पर लिख भी देती हूँ साइड में, आपको इजी रहेगा. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है कहां पर, इन रिलेशन में देखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं देखना, ठीक है. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन वो हमारे पास होते हैं इनपुट्स, और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन वो हमारे पास होते हैं आउटपुट्स, ठीक है. तो हम जब लिखेंगे द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन, तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, देखो कौन कौन रिलेटेड थे, 1 0 रिलेटेड थे, तो इनपुट हो जाएगा 1 और आउटपुट हो गया 0, तो 1 और 0 रिलेटेड थे. फॉर 1 एज इनपुट आउटपुट आया था 0, देन फॉर इनपुट एज 2 आउटपुट आ रहा है 0, then 2 input 1 output, 3 input 0 output and 3 input and 1 output. आप देख सकते हैं ये 1 2 3 जो है ये first element ही है ordered pair के relation में, and 0 1 जो हमारे पास है वो second element है ordered pair के in relation. So ये हमारे पास हो जाता है input output form. Although this form is not given in NCERT, but मैं आपको extra करा रही हूँ क्योंकि हम इसकी help से आगे और भी चीजें समझेंगे. Then there is one thing called arrow diagram. Now arrow diagram is very useful
टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन. क्या करते हैं इसमें हम इसमें एक ओवल बनाते हैं जो हमारा फर्स्ट सेट डिनोट करता है. तो जैसे पिछले एग्जाम्पल में जो फर्स्ट सेट था वॉज ए, तो मैं ए इसके नीचे लिख दूंगी और उसमें एलिमेंट्स थे 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 लिखेंगे. सारे एलिमेंट्स मेंशन करने होते हैं सेट के. देन बी सेट बनाओगे ओवल में ही और फिर आप उसके सारे एलिमेंट्स मेंशन कर दोगे, दैट इज 0 एंड 1. अब करना क्या होता है, जब आप रिलेशन डिफाइन बना रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप सिर्फ उनको मैप करोगे जो कि आपस में रिलेटेड है. जैसे 1 is related to 0, आप देख सकते हैं यहाँ से 1 related था 0 से, तो मैं एक एरो बना दूंगी दैट 1 is related to 0. देन 2 was related to 0, तो आप एक एरो बना दोगे. एंड 2 was also related to 1, तो आप ये भी एरो बना दोगे. देन 3 is related to 0, तो एक एरो बना दिया. एंड 3 was also related to 1, तो ये हमने एरो बना दिया. तो एरो डायग्राम क्या होता है, उसमें आप पहला सेट जो होता है उसको ओवल से रिप्रेजेंट करो, उस सेट का नाम लिखो जो भी है, दूसरा सेट भी ओवल से रिप्रेजेंट करो. नाउ मैप ओनली दोज एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट सेट टू द सेकंड सेट जो उस रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं. तो ये मैपिंग से ही हमें पता चल जाता है कि रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. ऑल्सो अगर आप देखोगे तो जो इनपुट्स हैं वो हमारे पास फर्स्ट सेट में आएंगे. देखो 1, 2, 3 इनपुट्स 1, 2, 3 थे, वो कहाँ पर बिलोंग करते हैं, हमेशा इनपुट हमेशा फर्स्ट सेट में होते हैं. और जो आउटपुट्स हैं हमारे पास वो कहाँ पर है, सेकंड सेट. तो ये भी हम देख सकते हैं कि जब भी हम एरो डायग्राम बनाते हैं इनपुट्स आर ऑलवेज इन द फर्स्ट ओवल एंड आउटपुट्स हमेशा हमारे पास कहाँ होते हैं, सेकेंड ओवल. सो दीज आर द 4 ways बाय विच वी रिप्रेजेंट अ रिलेशन. That is roster form, set builder form, input output and arrow diagram. तो इसी के basis पर आज हम कुछ questions करके देखेंगे to represent relation in these 4 forms. तो start करते हैं. First question है, let A be the set 1, 2, 3, 4, 5, 6. Define a relation from A to A by R is equals to. इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, x is related to y such that y is equals to x plus 1. अगर y is equals to x plus 1 ये चीज सैटिस्फाइड होगी तभी x is related to y, only those x will be related to y. ठीक है, तो इसको हमें दिखाना है लिखकर रोस्टर, सेट बिल्डर, इनपुट आउटपुट एंड एरो डायग्राम के थ्रू जो अभी हमने सीखा था. तो करते हैं, क्योंकि हमारे पास सेट एक ही डिफाइंड है तो मतलब रिलेशन देखो बोला भी गया है ए टू ए ही डिफाइंड है. ठीक है, तो मतलब एक्स जो है वो भी सेट ए से आ रहा है और जो वाई है वो भी सेट ए में ही है, तो उनको ये सैटिस्फाई करना है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन इसको सैटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन इसके अकॉर्डिंग रिलेटेड है. तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ क्योंकि ये सेट में हमारे पास सेट a में 1 है, तो x अगर 1 होगा तो y कितना हो जाएगा, 2. जब x 2 होगा तो y कितना हो जाएगा, 3. जब x 3 होगा तो y कितना हो जाएगा, 4, जो कि सारे हम देख सकते हैं सेट में है. देन x 4 तो y 5, x 5 तो y 6. अब जब x 6 लेंगे, x can be 6, there is no problem. बट y कितना आ जाएगा, 7. बट y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 7, क्यों, बिकॉज 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए. तो ये वाला केस हम लोग नहीं लेंगे. ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड हुए बाय दिस रिलेशन, ओनली दीज एलिमेंट्स, मतलब 1 is related to 2. अब ऑर्डर जरूर हमें मेंटेन करके रखना है, उल्टा नहीं लिख सकते हैं. So x पहले, 1 is related to 2 by this relation. मतलब जब आप x को 1 रख रहे हो तो y हमारे पास 2 आ रहा है. Then 2, 3 related है, 3, 4 related है, 4, 5 related है and 5, 6 related है. तो ये elements हमारे पास आ गए relation में और हमने उसको roster form में लिख दिया. So this is how you represent it to roster form.
सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम सिर्फ कंडीशन लिखते हैं, और जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन वो तो ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म है. तो आप लिख सकते हो एक्स वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एंड ऑल्सो यू कैन मेंशन हियर दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, दैट्स इट. तो वही सेम चीज हमें क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में ही गिवन था. अब लिखते हैं इनपुट आउटपुट फॉर्म. इनपुट आउटपुट फॉर्म के लिए x और y हम लिखेंगे. इनपुट होते हैं x, आउटपुट होते हैं y. तो रिलेशन में ही हम देख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से इनपुट है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इनपुट्स हैं. द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन, जो फर्स्ट एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर के रिलेशन में, वो हमारे इनपुट्स हैं. और उनके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स हैं वो लिख देंगे, दैट इज 2, 3, 4, 5, 6. और 6 वाला हमारे पास नहीं था तो ये 6 वाला हम हटा देंगे, राइट. तो दिस इज योर इनपुट आउटपुट फॉर्म. और लास्ट हमें लिखकर दिखाना है इसके लिए एरो डायग्राम बनाकर दिखाना है. तो एरो डायग्राम में क्या था, हम दो ओवल्स बनाते हैं, सेट फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सेट सेम है तो ए टू ए ही हम लिख रहे हैं. सारे एलिमेंट्स मेंशन करने हैं, कोई भी एलिमेंट छोड़ना नहीं है, बट मैप वही करेंगे जो रिलेशन में है, रिलेटेड है. तो मैप करते हैं, 1 is related to 2, 2 is related to 3, 3 is related to 4, 4 is related to 5 and 5 is related to 6. तो आप देख सकते हैं जब हमने एरो डायग्राम बनाया तो सेट ए में एक एलिमेंट छूट गया 6, और ऐसे ही सेट दूसरे सेट हमारा जो आउटपुट वाला है उसमें भी एक एलिमेंट छूट गया. तो रिलेशन में ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है सारे ही एलिमेंट्स मैप्ड हो, ठीक है. तो ये हमारे पास हो गया इसका एरो डायग्राम. सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट एनी रिलेशन इन दीज फोर फॉर्म्स. और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं हम ऐसे ही फॉर्म के. लेट आर बी, रिलेशन डिफाइन किया हुआ है दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एंड एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस दैन फोर. ये हमारे पास रिलेशन है, और एन टू एन डिफाइंड है. तो हमें रिलेशन उन्हीं चार फॉर्म्स में लिखकर दिखाना है. तो देखते हैं कैसे करेंगे, क्योंकि रिलेशन डिफाइंड है एक्स प्लस फाइव. तो सबसे पहले साइड में खुद वर्कआउट करके देखते हैं कि कौन कौन से रिलेटेड होंगे बाय दिस रिलेशन. तो y इज इक्वल टू x प्लस फाइव होना चाहिए. ऑल्सो ये भी है दैट x इज लेस देन 4, और दोनों ही नेचुरल नंबर से आ रहे हैं. तो क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पर, देखो y इज डिपेंडेंट ऑन x, और x वैल्यू ले सकते हैं ओनली 1, 2 एंड 3 बिकॉज x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4 और x नेचुरल नंबर है. तो ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होगा और 3 पर स्टॉप करना होगा. तो कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हेन यू पुट 1 y विल बी 6, व्हेन यू पुट 2 y विल बी 7 एंड 3 y विल बी 8. सो द एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड आर 1, 6, अगेन x पहले y बाद में, 2, 7 एंड 3, 8. दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन. सो दिस इज योर रोस्टर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी क्वेश्चन ही सेट बिल्डर फॉर्म में है, वही सेम चीज लिख देंगे दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एंड एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन फोर. ऑल्सो मेंशन कर दो एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. इनपुट आउटपुट फॉर्म करोगे तो क्या होगा, एक्स इनपुट्स 1, 2, 3 इनपुट्स एंड आउटपुट्स 6, 7, 8. ओनली इनपुट्स जो हमारे पास फर्स्ट सेट में मैप्ड एलिमेंट्स हैं वो हमारे इनपुट्स हैं, और जो सेकेंड सेट में मैप्ड एलिमेंट्स हैं वो हमारे आउटपुट्स हैं, राइट. तो अब एरो डायग्राम बनाते हैं. तो दो ओवल्स बनाएंगे. सेट कौन सा डिफाइंड है, नेचुरल नंबर. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंटिन्यू ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड कंटिन्यू. तो अब मैप कर लेते हैं एलिमेंट्स. देखो 1 इज रिलेटेड टू 6 तो मैप कर दिया, 2 इज रिलेटेड टू 7 तो मैप कर दिया, एंड 3 इज रिलेटेड टू 8 मैप कर दिया. ओनली दीज थ्री एलिमेंट्स वर रिलेटेड.
ओके, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, देखो फर्स्ट सेट में जो मैप्ड एलिमेंट्स है ओनली दोज आर माय इनपुट्स, उन्हीं को मैं इनपुट्स कह रही हूं, है ना? एरो डायग्राम के थ्रू दे सकते हैं दैट एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट विच आर मैप्ड आर इनपुट्स, है ना? बाकी देखो 4, 5, 6, 7 आगे ये जो है ये कोई मैप्ड नहीं है, तो ये इनपुट्स भी नहीं थे. तो इनपुट्स कौन है? फर्स्ट सेट के ओनली मैप्ड एलिमेंट्स. ऐसे ही आउटपुट्स क्या है? सेकेंड सेट के मैप्ड एलिमेंट्स. तो सेकेंड सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स मैप्ड है? तो आप देख सकते हैं 6, 7, 8 ओनली दोज वर योर आउटपुट्स. सो दिस इज योर इनपुट एंड आउटपुट. एरो डायग्राम से भी आप बता सकते हो कि इनपुट्स क्या हैं और आउटपुट्स क्या हैं. इनपुट्स हमेशा फर्स्ट सेट में देखना है जो कि मैप्ड है, और ऐसे ही आउटपुट्स हमेशा सेकंड सेट में देखना है जो भी मैप्ड एलिमेंट्स. राइट, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम. लेट आर बी डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन, अगेन नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एंड इट इज डिफाइंड बाय वाई इज इक्वल्स टू 2x, इससे डिफाइंड है. तो हमें R लिखना है, रोस्टर सेट बिल्डर इनपुट आउटपुट एंड एरो डायग्राम के थ्रू. तो अगर ऐसा हमारे पास रिलेशन डिफाइंड है और n टू n है, तो सबसे पहली चीज तो देखो y is equals to 2x. x कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 कंटिन्यू करेगा. तो y की भी वैल्यूज आती रहेंगी, 2, 4, 6, 8, 10 एंड ऐसे कंटिन्यू करेगा. तो ये तो कहीं स्टॉप ही नहीं होगा, ठीक है? तो हम इसको डॉट फॉर्म में लिखेंगे. तो रोस्टर फॉर्म क्योंकि पूछा गया है लिखना है, तो हम लिख कर दिखाते हैं, नहीं तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना बेटर है क्योंकि ये कंटिन्यू हो रहा है, इनफाइनाइट सेट बनेगा. तो 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 4, 4, 3 इज रिलेटेड टू 6, देन 4 इज रिलेटेड टू 8, और ऐसे ही चल रहा है आपके पास. तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन अगर ये करेंगे आप. देन अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा? यू विल राइट इट एज x is related to y, x y से तब related होगा जब y is equals to 2x होगा and x y belongs to n होगा. आप इसको restrict करके भी आ सकता है, वो आपको कुछ ही values दे सकते हैं कि x will only take 1, 2, 3, 4, तो उसके लिए पूछ सकते हैं. यहाँ पर infinite है तो हम infinite लिख देते हैं, ठीक है? इनपुट आउटपुट फॉर्म. ओके, तो जब आप इनपुट आउटपुट भी देखेंगे तो अब यहाँ पर भी हमारे पास इनफाइनाइट आएंगे. ऑल्दो इनफाइनाइट सेट का क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं जाता ज्यादातर, बट फिर भी क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम लिख लेते हैं. तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन कंटिन्यू कर रहे हैं, सारे ही इनपुट्स हैं, एंड यहाँ पर 2, 4, 6, 8 एंड ऐसे कंटिन्यू करेगा, ठीक है? एरो डायग्राम बनाते हैं. फर्स्ट सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दूसरा सेट भी हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंटिन्यू, ऐसे सारे. अब देखते हैं कौन कौन से मैप्ड है. तो 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 6, 4 इज रिलेटेड टू 8. तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे वो तो इनपुट्स होंगे ही होंगे क्योंकि सभी मैप्ड है, सबके लिए ही आपके पास सेकेंड सेट में आउटपुट आ रहा है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब सारे ही नेचुरल नंबर, दिस होल सेट विल बी योर इनपुट सेट. है ये पूरा इनपुट फॉर्म कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बट आउटपुट में सारे हमारे पास नेचुरल नंबर्स नहीं है. कौन कौन से आ रहे हैं? ओनली 2, 4, 6, 8, राइट, इवन नेचुरल नंबर्स. So this will be your arrow diagram. तो आज हमने सीखा what is a relation. Relation is a subset of the Cartesian product where subset is derived by describing
some kind of relationship between the elements of the ordered pair in Cartesian product, right? Then उसमें हमने सीखा how to represent relations. So four ways हमने सीखे: roster form, set builder form, input output and arrow diagram. तो आज के लिए हम इधर ही स्टॉप करते हैं.